उदयपुर के प्रताप नगर स्थित निराकार स्वयंसेवकों द्वारा पिछले 57 दिनों से लगातार लॉकडाउन महामारी में उन बेसहारा और जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने के लिए की गई थी सेवा। इस सेवा में वाल्मीकि समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपना कौशल दिखाया था, जिसमें प्रतिदिन सुबह और शाम 500 फूड पैकेट्स जरूरतमंदों में वितरित किए गए थे। साथ ही भामाशाहों के सहयोग से यह कार्य संपन्न हो पाया था। वहीं रविवार को संस्था का अंतिम दिवस था, जिसमें उन्होंने संत बाबूदास जी महाराज मंदिर प्रांगण में भोजन प्रसादी रख इस कार्य को संपन्न किया। इस कार्य में क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन युवाओं की मदद से यह कार्य संपन्न हो पाया। जय गुरुदेव। मैं एडवोकेट लक्ष्मण सपरवाल दिनांक 5/4/2020 से निराकार स्वयंसेवकों द्वारा असहाय लोगों को कोरोना महामारी में भोजन वितरित किया जा रहा है, जिसके अंदर प्रताप नगर चौराया, ठोकर चौराया और ज्योति कॉलोनी और हमारे पूरे वार्ड नंबर 43 में भोजन वितरित किया जा रहा है। तो इसका आज जो समापन रखा गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज दाल बाटी का प्रोग्राम रखा गया है, और मैं सभी कार्यकर्ताओं और सभी दानदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी का जल्द से जल्द उदयपुर इस बीमारी को ख़त्म करेगा और पूरे विश्व में खुशहाली आएगी। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य गुरुदेव। ओम बाबा भूतनाथ महाकाल सरकार की जय हो। ओम बाबा सीताराम जी महाराज की जय हो। ओम बाबा श्री बाबूदास जी साहेब की जय हो। निराकार स्वयं सेवक नवयुग मंडल में जो आज तक ये अनवरत भोजन 57 दिन तक कंटिन्यू चला और भामाशाहों के जो सहयोग मिला, हमें कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये प्रोग्राम आज अपने अंतिम चरण में जाने वाला है और आप सभी के सहयोग से हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं। हम आप सभी का सहयोग का आभार प्रकट करते हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं निराकार स्वयंसेवक के। स्वयंसेवक मतलब ये होता है आदमी स्वयं सेवा करता है और वो ईश्वर का कार्य करता है, वो किसी का एजेंट नहीं है, वो भगवान से डायरेक्ट चलता है। इसलिए इसका नाम निराकार स्वयंसेवक रखा, ताकि भगवान के आदेश से वो घर से बाहर आए और असहाय लोगों तक ये भोजन वितरण पहुँचाए। मैं पुनः इन सबका दिल से आभार प्रकट करता हूँ और समस्त भामाशाहों का तहे दिल से सम्मान प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें सहयोग दिया और ये काम हम कर सके। इससे पहले हमने इतने बड़े काम कभी नहीं किए। अब भी भगवान जब जब भी हमें मौका देगा तब तब हम खड़े रहेंगे। जय गुरुदेव, जय नवयुग मंडल। जय गुरुदेव, जय महाकाल। कोरोना बीमारी से जो लोग तरह तरह हो रहा था, भोजन की व्यवस्था के लिए उदयपुर में बहुत से भामाशाहों ने, संस्थाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया। डेबर कॉलोनी खेमपुरा वाल्मीकि समाज ने अपना योगदान व तन मन धन से सेवा दी है। आज 57 दिन हो चुके हैं, आज हम परिपूर्ण इस कार्य को सफल बनाया गुरुदेव ने। आगे भी गुरुदेव का आशीर्वाद रहे। इस बीमारी से हम पूरे उदयपुर, हमारे झीलों की नगरी में, हम ये चाहते हैं कि उदयपुर में इस बीमारी से और कई बड़ी बीमारी हो, उससे भी हम फाइट कर सकें। गुरुदेव ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, पूरे भारत पर ये आशीर्वाद बना रहे, और ये सबसे बड़ी गुरु की कृपा है जो आज इस मेवाड़ के ऊपर, एकलिंगनाथ की बहुत बड़ी कृपा है, उन्होंने हमें इस वार्ड 43 को बचाए रखा है। 43 में हमारे कार्यकर्ता कम से कम 40-50 लोग लगे हुए हैं। दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था सुबह और शाम प्रताप नगर से लेकर ठोकर चौराया व वार्ड 33 में लोगों को भोजन दोनों समय में प्राप्त किया गया, उन लोगों तक पहुंचाया। और आगे भी कामना करते हैं कि गुरुदेव हमें बल बुद्धि और शक्ति दे, इसी बीमारियों से हम फाइट कर सके। और युवा साथियों ने जो मिलकर जो एकता का प्रदर्शन दिया है, भविष्य में हम एक साथ रहेंगे, मिलजुल कर कोई भी काम हो हम उस कार्य को सफल करेंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से। और सभी से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में हम एकजुट रहे, कोई भी बीमारी हो चाहे कोई सा भी काम हो, हम एकता से उसका हम उन चीज़ों का संघर्ष करेंगे और आने वाले जीवन में हम खुशहाली से पुनः जिएंगे। उदयपुर में महामारी तुरंत जल्दी प्रभाव से हम उस पर
प्रगति पर खत्म हो रही है धीरे धीरे, और आने वाले समय में सभी खुशहाल से रहें। जय हिंद, जय मेवाड़, जय गुरुदेव, आदेश।